मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। तो आज व्रत की दूसरी रेसिपी है बगर और साबुदाना का चीला। वैसे बगर ज्यादातर महाराष्ट्र में फेमस है, बट अगर लंदन में बगर मिल रहा है तो इंडिया के किसी भी भाग में ये जरूर मिलेगा। तो आप इस व्रत पे ये रेसिपी एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा और मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चीले के लिए आप ले लें सबसे पहले बगर, जिसे समा के चावल भी कहा जाता है, समो भी कहा जाता है, और इसे एक बार अच्छा पानी से धो लें। इसके साथ लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच साबुदाना, इसे भी आप एक बार पानी से धो लें और दोनों को आप 4 घंटा कम से कम पानी में भिगाकर रख दें। और 4 घंटे के बाद ये देखिए बघर और साबुदाना अच्छे से भीग चुका है। आप इसे रात भर भी भिगाकर रख सकते हैं। और पहले हम इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो बघर में जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है। और साथ ही आप इसमें एक हरी मिर्च डाल दें। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 इंच टुकड़ा अदरक का। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये देखिए एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लें। इसमें बिल्कुल भी कुछ दाना रहना नहीं चाहिए। और फिर इसे एक बाउल में शिफ्ट कर दें। ये चीला खाने में बहुत ही हल्का होता है और ये बिल्कुल ही ग्लूटेन फ्री भी है, तो आप इसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं बना के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच भुनी हुई जीरे का पाउडर। और इसमें आप सेंधा नमक या फिर जो रेगुलर नमक आप खाते हैं, अगर फास्टिंग नहीं रख रहे हैं तो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा काफी पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। और अभी ये बैटर काफी गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी हमें जैसे हम चावल के आटे का चीला बनाते हैं उतना ही पतला करना है, ये देखिए। और फिर इसमें आप डाल दें मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। इसे आप या तो हाथ से अच्छे से मैश करके डाल दें या फिर कद्दूकस करके भी आप डाल सकते हैं। और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चीले में। और बस सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर जितना हमारा पतला होगा चीला उतना ही अच्छा कुरकुरा बनेगा। और ये देखिए ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है चीले के लिए। तो आप पैन को रखें मीडियम फ्लेम में और उसमें 1 से 2 चम्मच तेल का या घी का डालें। और जब आप इसमें चीले का बैटर डालें तो जो तवा और तेल है वो अच्छे से गर्म रहना चाहिए। अगर आपने इसे ठंडे तवा या ठंडे तेल में डाल दिया तो ये ऐसे जालीदार या फिर कुरकुरा नहीं बनेगा। तो ये टिप आप याद रखिएगा कि तवा और तेल अच्छे से गर्म हो। और ये देखिए इस तरीके से आप चीला बनाएं और इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में पकने दें। और जब तक चीला बन रहा है हम उसके साथ खाने के लिए बना लेते हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। तो तवे को आप रखें मीडियम फ्लेम में और उसमें डाल दें 1 से 2 चम्मच तेल का या फिर घी का। और जब तेल या और घी अच्छे से गर्म हो जाए तब आप उसमें डाल दें 1/2 छोटा चम्मच जीरे का। अगर आपको फास्टिंग या व्रत में जीरा नहीं चलता है तो आप इसमें जीरा ना डालें। और जब जो जीरा है वो अच्छे से चटक जाए तब आप उसमें डाल दें 1 से 2 हरी मिर्च, या अगर आपको तीखा बहुत पसंद है तो आप 4 से 5 हरी मिर्च भी इसमें काट कर डाल सकते हैं। और जब हरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप उसमें डाल दें 1 मुट्ठी भर के फाइन चॉप धनिया, अच्छा सा बारीक कटा हुआ धनिया है। और बस इसे आप 20 से 25 सेकंड के लिए ही पकाएं। धनिया पत्ती वैसे भी बहुत जल्दी पक जाती है। और फिर उसमें आप डाल दें 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। तो इस रेसिपी में हमने टोटल 4 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर यूज किया है। ये चटनी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने जो साबुदाना चीला और साबुदाना वड़ा में जो चटनी बताई है आप वो चटनी भी बनाकर इसमें खा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। और बस इसमें आप डाल दें 1/4 कप पानी और इसे 1 मिनट तक चलाते रहें। जब इसमें उबाल आ जाए तो आप इसे बंद कर दें और बस जो चटनी है वो अच्छी सी रेडी हो चुकी है। इसमें आप डाल दें सेंधा नमक या जो सादा नमक है जो भी आप खाते हैं फास्टिंग में। और बस इसमें एक उबाल आया
और आप गैस बंद कर दें। और ये देखिए जो चीला है वो एक साइड से पककर अच्छे से रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए चीला दूसरे साइड से भी पककर अच्छे से रेडी हो चुका है। इसे पकने में 3 से 4 मिनट लगे दूसरे साइड से। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें और तेल डालना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच तेल आप और भी डाल सकते हैं, ताकि ये दूसरे साइड से भी उतना ही कुरकुरा बने। ये देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच तेल और डाला है। ये चीला घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो अगर बच्चों ने व्रत नहीं रखा है और आपने रखा है तो आप पूरे घर के लिए यही चीला बना सकते हैं खाने के लिए। और ये देखिए चीला अच्छे से पककर रेडी हो चुका है, तो आप इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ परोसें। तो भगर और साबुदाने की चीले की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।